वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आरसीबी को लेकर देखा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाए खबर फैलाई जाती है, कुछ रियल होती है कुछ फेक होती है, कुछ बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैले हुए होते हैं। जिसमें से अगर एक र्यूमर की बात करें तो वो र्यूमर निकल के आ रहा है कि टॉम करन की रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी टीम देखा जाए जोफ्रा आर्चर को साइन करने के बारे में सोचे। ये र्यूमर मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, मतलब बहुत ज्यादा देखा जाए ये फेक न्यूज फैलाई जाए। सच बताऊं तो ये फेक न्यूज ही है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ रियल जैसा है नहीं। क्योंकि देखिए टॉम करन अभी देखा जाए ऑफिशियली आप लोगों को मालूम होगा कि रूल्ड आउट हुए नहीं है आईपीएल से, और अगर वो आईपीएल के लिए फिट होते हैं तो आरसीबी वैसे भी उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी प्लेयर को साइन नहीं करेगी। और अगर जोफ्रा आर्चर को उन्हें साइन भी करना होता तो मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर ऑक्शन में आते, और उन्होंने ऑक्शन के लिए अपना नाम भी नहीं दिया था। ये भी मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। तो आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी खबर देखने को मिले कि जोफ्रा आर्चर आरसीबी टीम में आ रहे हैं या फिर आरसीबी टीम उन्हें ऐसा रिप्लेसमेंट अपनी टीम में साइन कर रही है, तो वो सारे के सारे फेक है। आपको किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर जोफ्रा आर्चर ऑक्शन में आते चाहे फिर वो अवेलेबल भी नहीं होते ना पूरे सीजन के लिए, चाहे फिर वो अगले नेक्स्ट सीजन के लिए अवेलेबल होते, लेकिन फिर भी बहुत सारी टीमें उनके पीछे बिड करती हैं। और मेरे हिसाब से 5 से 6 करोड़ में वो जो किसी भी टीम में जाते हुए देख सकते थे, क्योंकि देखिए जोफ्रा आर्चर बहुत बड़ा नाम लेके आते हैं। जब जिस दिन वो अपने फॉर्म में रहते हैं सामने वाली टीम को एक तरफा देखा जाए हराने की काबिलियत रखते हैं, वहीं पर उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। लास्ट ईयर उनका देखा जाए वो फुल फिटनेस पर नहीं खेले थे, जाहिर सी बात है। आप लोगों ने जिस जोफ्रा आर्चर को देखा होगा 2018 में 2019 में, वो आप लोगों को फुल देखा जाए फिटनेस के साथ 2023 में देखने को नहीं मिले। देखा जाए तो वो देखा जाए आईपीएल के कुछ मैचेस के बाद ही देखा जाए वापस चले गए थे, मतलब रूल्ड आउट हो गए थे पूरे आईपीएल से। कुछ मैचेस ही खेले तो उन्होंने स्टार्टिंग के, उसके बाद देखा जाए उन्होंने की रिप्लेसमेंट आए थे क्रिस जॉर्डन, और क्रिस जॉर्डन ने फिर बाकी के मैचेस कंटिन्यू करे थे। तो मेरे हिसाब से जो भी आप न्यूज रहे हो कि जोफ्रा आर्चर आरसीबी की टीम में आ रहे हैं, आरसीबी उन्हें साइन कर रही है, सारे की सारी फेक न्यूज है। बिल्कुल भी आपको किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। अगर जोफ्रा आर्चर आप लोग को आईपीएल के 2024 सीजन में किसी भी टीम से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ना ही वो ऑक्शन में थे ना ही वो आप लोग आईपीएल में किसी भी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। ये सारी की सारी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।